जैसे कि बताया कि आपको हम राखी गढ़ी पहुंच चुके हैं। राखी गढ़ी का टीला ही इसमें हम आपको दिखाएंगे पूरा तत्व उत्थान स्थल राखी गढ़ी, जिसका हाँ पूरा हुआ। यहाँ भी कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये सीवर है दोस्तों, ये इसके अंदर जो चौक बैठते हैं उसके यहाँ के चौकीदार वगैरह जो बैठते हैं। इस पर लिखा है राखी गढ़ी हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता का एक सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, जो दो आधुनिक गांव राखी शाहपुर और राखी खास के अंतर्गत स्थित है। इसे हड़प्पा संस्कृति के मुख्य महानगरीय केंद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 1969 में प्रोफेसर सूरज भान द्वारा किए गए अवशेष से यह ज्ञात हुआ कि राखी गढ़ी के पुरातत्व अवशेष और बस्तियाँ हड़प्पा संस्कृति की हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं डेंकिन कॉलेज पुणे द्वारा किए गए बाद के अवशेषों से उत्पन्न पता चला कि यहाँ एक सुकुल बस्ती थी और 500 हेक्टेयर में से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी। इसमें 11 अलग अलग टीले शामिल हैं। इसमें क्रमांक RG1 से लेकर RGXX2 11 नाम दिया गया है। ये बस्तियाँ वैदिक संस्कृति वैदिक सरस्वती की सहायक नदियों में से एक हर्षवंदी के पास स्थित है, जिसमें आधुनिक चौतांग नदी से पहचाना जाता है। वर्ष 1997-98 में से 1999-2000 के दौरान डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्थान कार्यों में विभिन्न परतों से प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियों पर आधार पर यहाँ ईसा पूर्व से 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी से 3वीं शताब्दी के तक समकालिक प्रारंभिक पूर्व चरण से परिपक्व हड़प्पा काल तक के समस्त सन्निवेश के विभिन्न बसावटों का पता चला है। यह एक टीला संख्या एक है, जिसके अब तक उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के आधार पर प्रारंभिक हड़प्पा काल से परिपक्व हड़प्पा काल तक के सन्निवेश तथा पुरावशेष के सबूत मिले हैं। इसे औद्योगिक गतिविधि का केंद्र के रूप में पहचाना गया है। उल्लेखनीय अवशेषों में शामिल है कपड़ा रंगाई करने कुंभकारी कार्यों में कलाकृतियों व मिट्टी के पात्रों का निर्माण, अर्धकीमती पत्थर से निर्मित मनकों का निर्माण उत्पान आदि। यहाँ कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित आवासीय भवन तथा जल निकास के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अन्य पुरावशेषों में शामिल है मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौने, आभूषण, शंख, शंकर आभूषण, पत्थर और तांबे के उपकरण, मणमे आदि सामग्री प्राप्त हुई है। चलिए इसके बारे में लिखा है, टीला नंबर 1 है दोस्तों राखी गढ़ी का। अब आगे देखते हैं हम इसके बाद को, इधर भी चला गया ये टीला सारा दिखा रखा जो। चलो दोस्तों हम आगे यहाँ से निकलते हैं, कहाँ क्या है इसके बारे में, इस टीले में पाए गए अवशेष हैं। तो उधर से तक जाता रास्ता आगे तक जाता। चलो टीले पर देखते हैं दोस्तों क्या है। तो हम चल पड़े हैं टीले को देखते हुए। आप भी राखी गढ़ी का टीला देखिए दोस्तों। ये राखी गढ़ी का टीला है, हड़प्पा संस्कृति कालीन टीला बताते हैं इसको। घास है घास में, हाँ ये पुराने पत्थर देखे पड़े, देखो देखे ना आपको दोस्तों ये पुरानी चीज़ें, ये यहाँ कभी ना कभी बसते थे पुराने पढ़ाई के दौरान मिले होंगे। औद्योगिक नगरी बताते हैं दोस्त, इसको ये औद्योगिक नगरी देखो ही पड़े। इन टीलों की खुदाई करने के बाद पता चला सब कुछ।
ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, इसमें रोक रखें। ये देखो बेटा, ये देखो दोस्तों, ये अल्फा ये कोई निशान दिखा रखा है उन्होंने, ये खुदाई की होगी यहाँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ ना दे दी आपको, ईंट पत्थर की कंक्रीट नज़र आ रही है, इसमें खुदाई तो की थी उन्होंने। ये भी इसमें कुछ उन्होंने सिंबल बनाया है पुरातत्व विभाग वालों ने। ये गांव वाले बताते हैं कि यहाँ उन्होंने खुदाई तो की थी, खुदाई के दौरान कुछ अवशेष मिले और उस अवशेषों को ये खोद के उसके बाद इन्होंने देखो क्या किया। ये देखो ये सब पोलोथीन से ढक दिए दोबारा खोद के, ऊपर लगा के पोलोथीन और ऊपर से मिट्टी डाल दी दोबारा, इन्होंने कुछ सपना किया है। देखो यह खुदाई के दौरान कुछ मिला हुआ कि बाद में इसकी कार्रवाई करते हुए कुछ। देखो दोस्तों ये इसमें कुछ खुदाई करी उन्होंने और खुदाई के बाद इन्होंने फिर इसको ढक दिया तरपाल से ताकि ये नष्ट ना हो जाए चीज़ें। ये ढक दिया इन्होंने टीला, यहाँ पे खुदाई करी थी पुरातत्व विभाग की टीम ने, इसको भी टीन से ढक दिया इन्होंने। इसके अंदर कुछ दीवारें पुरानी चीज़ें कुछ ना कुछ सबूत मिल जाए इसकी वो बाद में करते हुए या कुछ तो करते हुए देखो। चलो ये देखो ये सब दिख रखा है, दीवारें निकली हैं शायद यहाँ से बड़ी बड़ी, ये सब बड़ी बड़ी दीवारें निकली हैं भाई। ये राखी गढ़ी गांव है जलाईसार में, तो बाकी टीम ने बोला इसको भाई से बात करते हैं शायद कुछ बता दे तो। राम राम दाऊ, ठीक सो। ये पोलोथीन से कुकर लाए रखे हैं इसके ऊपर, ये पोलोथीन से कुकर लाए रखे हैं। हाँ बस मैं जो कुछ पाया वो देख दिया। हाँ जिस तरह खुदाई हुई जड़ लगे, हाँ 20-30 फुट लगे, हाँ हाँ, फिर जिस तरह जो फिर माटी डाल के नू किनू कागज डाल के बंद करके जिस तरह का खुदाई होगी नहीं तो नू किनू माटी काट के फिर कर देंगे। अच्छा दोबारा नहीं टाने पड़ा ऑर्डर तो शुरू कर देंगे, हाँ। बाद में करेंगे इसका कार्यक्रम, हाँ। अच्छा जो रखी में सामान पाया उसके लिए ऑर्डर रखेंगे उसको, हाँ। या जमीन उन्हें की है पूरा तत्व वाले की, या सारी जमीन ये वो, ये जमीन तो पंचायत की गांव की। अच्छा फिर तो सरकारी है पंचायती, तो फिर भी उनका अंडर ले लेंगे वो अपना, उसके अंडर में जो भी वो बना लग रहे हैं वो दिखने लग रहे हैं अपने को, हाँ म्यूजियम, हाँ म्यूजियम जो बन रहा है, हाँ। ये दिखने लग रहा जो वो सामान इसमें रखिएगा, हाँ। इसका हाँ। जूम करके दिखा दिया आपको थोड़ा सा, एक मिनट, ये बस ईंट टाट दीवार दूर कुछ इस तरह का पाया सो दस में, बहुत तो पाया कुछ इसमें बहुत उसका है, वो तो सरकार ने अपना अंडर है जो उसके अंदर, उसके अंडर एक टीला भी यू है, एक टीला इस तकला वो टीला है, ये कई टीले हैं सारे वो पुराने नगर, एक नंबर टीला ये है, हाँ दो नंबर आ गया, फिर तीन चार पांच कितने टीले हैं, गांव बसरिया ये भी, अच्छा नंबर लगे टीले हैं, हाँ। गांव बसरिया भी टीला बसरिया, हाँ। गांव के नीचे भी कुछ ना कुछ है टीला बसरिया, मतलब सर्वे करके देखा नहीं जो खुदाई करके देखी शुरुआत में, हाँ जिस तरह उड़ा कर ली, हाँ जिस तरह वो आगे है, अच्छा आगे भी है टीला कोटड़ा है, हाँ वहाँ कर ली, अच्छा उस साइड में फिर मकान वहाँ कर ली, जैसे वो है टीला वो वाला टीला, हाँ उस टीला पे कर ली, अच्छा वो टीला टीला है उस पर कर ली, उस टीला नजर आ रहा है उसका इतना मतलब जजमेंट देखा नहीं दे रहे, जैसे यहाँ से कोई चल रही है को नाला है कुछ और है, अब वो आगे चल रहा है तो उसने यहाँ से वहाँ मिला के देखा गया मिलाड़, तो वो मिला है तो बीच का तो जिस तरह फेर करेगी जिस तरह कई जगह चिन्ह करके वो चिन्हित करके उसका सर्वे करके बेस की पूरी कार्रवाई करी नहीं गई है, है? अभी पूरी कार्रवाई नहीं इसकी पूरी नहीं हो, ये बेस चल रही पूरी तो उसमें करेंगे तो उसमें रखेंगे म्यूजियम में, फिर इन्हें पता है यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है इसीलिए तो मतलब इसको कवर करके ना कवर करके बाकी और जनता इसको परेशान ना करे, पक्के परमानेंट हो जाएगा यहाँ फिर, हाँ हाँ हाँ, और फिर उसमें सेट करेंगे इसको, हाँ तो जिस तरह मतलब कई साल हो गए खुदाई हुई, पहले हुई थी दो तीन बार खुदाई हुई है तो उस टाइम ये ट्रेच बनाई गई थी,
इंटरेस्टों की जितना 20 है 30 है जाए लग उनको मतलब एडजस्टमेंट लेना था वहाँ तक खुदाई करी उसमें जो मिला है तो वो यहाँ रखा गया। फिर ना आगे निशानी मिल गई जैसे यहाँ से मतलब एक नाला बताया गया वहाँ तक का बहुत मोटी ईट इतनी मोटी मोटी ईट है नाले पे। हाँ जैसे मतलब नीचे से ही पक्का साइड से भी पक्का है। अच्छा तो जिस तरह मतलब तालाब होया करता वह जिस तरह उसमें पानी जान का रास्ता था। औद्योगिक नगरी बताओ थी कद हाँ ये मतलब है सुनने में तो आई है जैसे मतलब बोर्ड पर तो कुछ ऐसा लिखा था बहुत पुरानी है मतलब है संसर बहू राजा होया करता जिस तरह उसकी नगरी बताई है मतलब एक जिस तरह राजा का राजपाट होया करता है ये परशुराम के पिताजी का यहाँ जैसे मतलब कोई भंडारा लगाया था उसने और वो मतलब ऋषि पे एक देव गाँ थी दर्शनी गाँ जो वरदान से मिली हुई वो भंडारे में उसी की कृपा से सब कुछ मिला था ऋषि को। तो राजा का जिस तरह कोई सुनना माई बस चक्कर लग गया तो देखा बस जंगल में इतना मंगल इतना कुछ ठाठ बाठ है भोकन वगैरह रो रहे पकवान कहाँ से आया तो ऋषि ने कह दिया ये तो मतलब है कि भाई ये काम दिन गाय है इसकी मेहरबानी से सब कुछ मिल जाता जो मांगा बनाने की मंगाने की जरूरत नहीं आपको दे दिए। तो वो बोला फिर आपका तो भंडारा हो गया तो राजपाट में सरकार ने चाहिए ये तो हमने दिए जैसे वो कहा करनी पर कब्जा करने वाली बात है। तो वो बोला ये तो वरदान से मिली उड़ी है ये जहाँ भी इच्छा अनुसार काम करेगी इसकी इच्छा होगी ये जबरदस्ती को नहीं कुछ भी दे हुआ है काम दे दूँ। हाँ तो वो फिर उसने जिस तरह राजा ने बल प्रयोग करा भाई मैं ले जूँगा तो वो फिर वो जिस तरह वो कहा करे दिब्बे होगी उड़गी जिस तरह तो उसका फिर अहंकार हो गया। राजा ने परशुराम तपस्या करके आया था कई साल बाद सुने देखा पिताजी माताजी रुष्ट है की बात है बोले इस तरह भंडारा लगा था राजन अपमान कर दिया गऊ का सहन नहीं हो रहा वो तो गया बोले राजन अपना अपमान कराया गऊ का आप माफी मांगने योग्य हो बच सको वो बोले नहीं तेरे वर्गे वो देखे या वो पता नहीं था भाई क्या चीज है तो वो दुदकारा गया वहाँ से तो बोले आप ऐसी है ऐसी नगरी भी है के जैसा राजा है प्रजा भी ऐसी है के बोले हाँ प्रजा भी ऐसी है। उसने देखा गया कि भाई मतलब प्रजा को भी तो देख है प्रजा भी ऐसी है कि तेरे मेरे पर क्या ना भाई राजा ने गलत काम कराया तो कोई को नहीं बोला राजा के खिलाफ अरे कह भी दिया राजा ने मनियादी करवा दी भाई कोई भी मतलब इसका इसको ऋषि को इसको परशुराम को कोई भिक्षा कोई बिठाई हो ना कोई इस गला बोली हो ना कोई इसने दी हो ना कुछ तो वो नगरी में भी हांडिया उसने देखा किसी ने कुछ कौन दिया डर जा ने कह दिया राजा ने तो प्रजा ने भी हां भरी ली वो एक फिर जिस तरह एक कोई औरत थी उसका कोई मतलब अंश मस्त था ही नहीं कल्ली थी जैसे मतलब आप बाड़ा बना जाके कह जा गड्डी कह जा गड्डी बाड़ा है अपना गड्डी जिस तरह था उसका गई हाँ गड्डी बोल जाते ठीक है तो उसमें वह रहा कर दी तो लास्ट में राजा उसके वो ऋषि उसके पास भी पहुंच गया राजा की मनियादी भी जारी थी उस दौरे भी तो वो अलग करी बोला माई किमें दे बोला हम बाबा जी मैं तो खाली तो जान कौन जो भी है ले बोला माई फिर आपने राजा का फरमान नहीं सुनिया कि उसने कह रहा क्या मेरे कोई भी सागा लगा उसका दिन बच्चा खोलू मैं पीड़ा देगा आप मरते नहीं डरती के तो उसने कहा भाई मेरा की मरना हर के जीना है मैं तो कल्ली हूँ मरे वर्गी हूँ मरना तो है ही फिर मैं खाली जान कौन दिया कर दी यानी कि कोई हुआ उसे तो उसने उसका मतलब जिस तरह का धन की चाहिए नहीं तो उसने फिर कह दिया कि माई तो इस गड्डी में रही है इस घेर में ना रही है 24 घंटे से बाहर ना निकली है तो उसने कह दिया भाई जितनी मेरी तपस्या करी है जितनी भी मेरी राख है बबूती है जो वह बबूती अड़े भर जो तो जिस तरह मतलब कोई भी चीज अड़े मिली है कंकाल मिले है कुछ चीने मिला है तो जैसे मिला जैसे जो जिस तरह मतलब जड़े था उड़े रुक गया कोई बैठा था तो बैठा रह गया खड़ा था तो खड़ा रह गया सुचा था तो सुचा रह गया तो वो प्रमाण मिलेगा ये भी है वो उस टाइम की बात भी सुनी उड़ी अरे ये प्रमाण भी मिले उड़े तो मिलान कराया गया तो वह बात है सत्य है तो उस टाइम हुआ फिर कहा कर नहीं भाई गड्डी मैं राखी थी गड्डी राखी इसी वजह से इसका प्राचीन नाम राखी गड्डी राखी राख राखी राख से भी है हाँ, वो राखी उस... कहते वो राख दी थी उसके अंदर
तो यानी कि जो इस नगरी में है नहीं, वसंधा है जो अंश वंश है इस नगरी के, जो उनके कुलों के पूर्वजों के जो अंश वंश है, जो बीज है, जो खून है, डीएनए टेस्ट है, वो आज भी जिस तरह उस साल से हजारों साल पहला और आज भी उनके अंश वंश है, आज भी इस धरती पे इसे नगरी में है वो खून उनके, इसीलिए मतलब देव धरती है यहाँ। क्यों ये परशुराम ने एक मतलब है अहंकारी से मुक्त करके सिर्फ एक औरत रही थी, एक औरत का ही राखी गढ़ी से मतलब है संत का आशीर्वाद से यार लुगाई के नाम से ये राखी गढ़ी नाम है नू है ठीक। इसका तो मनारी द्वार में भी देखा है, सप्ति ऋषि रोड पर मंदिर है उनका, इतिहास लिखा पड़ा है उसका, जरूर होगा बिल्कुल हाँ। उसमें मतलब शुभ नाम क्या था आपका? मेरा अनिल नाम ये। अच्छा 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 ठीक ठीक, बड़ी जानकारी मिली आपसे, जानकारी बड़ा अच्छा लगा। जानकारी तो जन्म में लिया है यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो पहली बार आए थे इधर। ठीक है तो धन्यवाद।